गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम मैथ्स मैजिक की बुक में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। दिस चैप्टर ऑन पेज नंबर 160। चैप्टर नंबर 12, कैन वी शेयर, क्या हम शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बटरफ्लाइज दिए गए हैं, 10 बटरफ्लाइज है, दो ग्रुप में बेचा जाता है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ 10 हो, 10 ट्रॉफीज हो, और अगर आप शेयर करना चाहते हो अपने फ्रेंड के साथ, तो आप कितनी ट्रॉफीज दोगे। अगर आप दो ही हो तो आप कितनी ट्रॉफीज दोगे। नेचुरली 5 आप रखोगे और 5 आप उसको दोगे। इसी तरह से ये टू ग्रुप्स है बटरफ्लाइज के, 10 बटरफ्लाइज है, टू ग्रुप्स में बांटा गया है, तो वन ग्रुप में कितना हुआ, 5। फिर है यहाँ पे कैटरपिलर्स, कितने कैटरपिलर्स है हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 कैटरपिलर्स है। ग्रुप्स कितने हैं, तो 3। 21 कैटरपिलर्स है, ग्रुप हुए 3। तो हर एक ग्रुप में कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 21 कब आता है, 3 सेवन्स आर। तो एक ग्रुप में कितने कैटरपिलर्स हुए, 7 कैटरपिलर्स। तो 21 कैटरपिलर्स थे, तीन ग्रुप में बांटा गया और एक ग्रुप में होगा 7 कैटरपिलर्स। फिर नीचे लड्डूस दिए गए हैं, देखिए कितने लड्डूज है, 1 प्लेट में 3 लड्डूज है। तो टोटल लड्डूज कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लड्डूज आर देयर। ग्रुप्स मतलब कितने ग्रुप्स में इसे रखा गया है, तो 4 ग्रुप्स। सो हाउ इन ईच ग्रुप, वन ग्रुप में कितने लड्डूज हो सकते हैं, अगेन We will divide, that is 4 threes are 12. In one plate there are 3 laddus. In one plate there are 3 laddus. 12 laddus, it is distributed in 4 plates, and in one plate there are 3 laddus. Turn your page. Draw 18 stars, put them into 2 equal groups. हमें 18 स्टार्स बनाने हैं। ये हुए हमारे 18 स्टार्स। क्या कहा गया है कि दो इक्वल ग्रुप्स में, मतलब कि आपको दो ग्रुप बनाने हैं। 18 स्टार्स को हमें दो ग्रुप बनाने हैं, तो कैसे पता चलेगा, तो हम 18 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 18 कब आता है, वेर इट कम्स, 2 9s are 18। मतलब वन ग्रुप में आपको 9 स्टार्स रखने पड़ेंगे। वन ग्रुप में आप 9 स्टार्स रखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन ग्रुप में 9 स्टार्स है। तो टू ग्रुप्स में कितने हो गए, 9 2 18। फिर है आपको 18 बीट्स इस तरह से बनानी है और उसको 3 इक्वल ग्रुप्स में करना है। 18 बीट्स बनाते हैं, एटीन बीड्स आपको बनानी है, थ्री ग्रुप्स में उसे ये हमने 18 बीड्स बनाई। अब क्या करना है, उसको थ्री ग्रुप्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो हम इक्वली अगर हमें नहीं पता चलता तो हम क्या करेंगे, 18 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में 18 कब आता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो आपको एक एक ग्रुप में 6 6 बीट्स डालनी पड़ेगी, तब जाके ये इक्वल फॉर्मेशन होता है। फिर हम चाहते हैं शेयर द ग्रेन्स, ग्रेन्स को शेयर करने में। मम्मी बर्ड ब्रिंग्स 12 ग्रेन्स, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। मम्मी बर्ड स्टार्ट्स बाय गिविंग 1 ग्रेन टू ईच बेबी। द मम्मी बर्ड गिव 1 मोर ग्रेन टू ईच बेबी। ईच बेबी हैज गॉट 2 ग्रेन्स नाउ। हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट। अब देखिए क्या किया, मम्मी बर्ड के पास 12 ग्रेन्स हैं। अभी उसके पास बर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 छोटे छोटे बर्ड्स हैं उसके। तो उसने 12 ग्रेन्स वो लेकर आई थी, पहले उसने एक एक ग्रेन हर एक बेबी को दिए, 12 ग्रेन्स वो लेकर आई। अब उसने क्या किया, पहले एक एक दाना एक एक बेबी को दिया, फिर वापस से उसने एक एक दाना एक एक बेबी को दिया, तो कितने हुए, ये हुए हमारे 8 ग्रेन्स। कितने हुए, 8 ग्रेन्स हुए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ईच बेबी हैज गॉट 2 ग्रेन्स, हर एक बेबी को 2 ग्रेन्स मिल गए, राइट। हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट। अब कितने ग्रेन्स बचे, तो 8 ग्रेन्स तो हो गए, तो अब कितने ग्रेन्स बचे, 12 में से 8 हम निकालते हैं तो 4 ग्रेन्स, 4 ग्रेन्स आर लेफ्ट। सी पुट्स 1 मोर ग्रेन इन ईच बेबीज माउथ। तो उसने 4 ग्रेन्स, अब उसको पता चला कि अभी 4 ग्रेन्स है, तो वापस उसने हर एक बेबी को एक एक दाना दे दिया, हो गए हमारे 12 ग्रेन्स कंप्लीट। अगर हम इसको शॉर्ट मेथड में करना चाहते हैं तो 12 ग्रेन्स डिवाइड बाय हम 4 करेंगे, क्योंकि 4 4 बर्ड्स है, तो हम 12 ग्रेन्स को डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो 3 3 ग्रेन्स हर एक बेबी के मुंह में आते हैं, हो गए ना 3 टाइम, 3 टाइम्स ग्रेन गोज टू ईच बेबी। पेज टर्न करते हैं, फिर आती है हमारी जलेबीज। गोपू हैज 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज। गोपू के पास क्या है, 3 प्लेट्स है जलेबीज के, 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज। ईच प्लेट हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ जलेबीज। तीनों में अलग अलग जलेबियां हैं। प्लेट ए में है 1, प्लेट बी में है 5 एंड प्लेट सी में है 3। नाउ ड्रॉ जलेबीज ऑन द प्लेट्स बिलो सो दैट ईच प्लेट हैज द सेम नंबर ऑफ जलेबीज। आपको इस तरह से जलेबीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि तीनों प्लेट में जलेबीज इक्वल हो जाए। अभी आप पहले तो जलेबीज काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी है, तो 9 जलेबीज है, हम उसे 3 प्लेट्स में डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में 9 कब आता है, वेर इट कम्स, इट कम्स इन 3 3 जा 9, सो ईच प्लेट हैज 3 जलेबीज, 1 प्लेट में 3 जलेबी होंगी। आया समझ में, 9 जलेबीज थी, 3 प्लेट दी गई थी, हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हमें आंसर मिला 3, 3 3 जा 9, तो हर एक प्लेट में 9 3 जलेबी होती है। आफ्टर दैट है बनानास। मंकी को देखिए, बनानास, मंकी को तो बनानास बहुत अच्छे लगते हैं, यू नो वेरी वेल। 6 बनानास है, 3 मंकीज है, 6 बनानास एंड 3 मंकीज। इफ वी विल डिवाइड 3 2 जा 6, ईच मंकी विल गेट 2 बनानास। नाउ वी विल टर्न आवर पेज, वी गो टू पेज नंबर 166। न्यू क्वेश्चन,
फाइव फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपीज कॉइन। 10 फाइव फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपीज कॉइन। 10 10 के 5 रुपीज के कॉइन उन लोगों ने फाउंड किए। 10 5 रुपीज, 5 रुपी के कॉइन के वो लोग 10 उसने काउंट फाइंड आउट किए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 कॉइन उसे 5 रुपीज के मिले। दे शेयर देम इक्वली। अब उन लोगों ने शेयर किया इक्वली। फाइव फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने शेयर किया इक्वली। ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज, 50 डिवाइड बाय 5। अब देखिए कितने हुए ये, 5 प्लस 5 10 20 30 40 एंड 50। तो 50 रुपीज़ इन लोगों को मिले। अभी वो फाइव फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितने हुए, 5 10 50, मतलब एक एक फ्रेंड को 10 10 रुपीज मिले। इफ देयर आर 16 10 रुपी नोट्स एंड 4 फ्रेंड्स टू शेयर, देन 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 4 एंड 4 10 40 रुपीज। सो ईच फ्रेंड गेट्स 40 रुपीज। फाइव फ्रेंड्स फाउंड रुपीज 100, इफ दे शेयर इट इक्वली हाउ मच विल ईच गेट। फाइव फ्रेंड्स फाउंड रुपीज 100, फाइव फ्रेंड्स को 100 रुपीज मिले। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होगा, 5 20 जा 100, 1 फ्रेंड विल गेट 20 रुपीज। हरि प्रसाद हैज 30 मीटर्स ऑफ रोप, ही डिस्ट्रीब्यूट्स इट इक्वली अमंग हिज 3 चिल्ड्रन। 30 मीटर रोप उसने इक्वली 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 3 10 30, तो एक एक को कितना मीटर मिला रोप का, 10 10 मीटर। इफ देयर इज 36 मीटर्स ऑफ रोप, हाउ मच ऑफ रोप विल ईच चाइल्ड गेट। 30 मीटर का उसने 3 हिस्सों में बांटा तो 10 10 मीटर मिला। अगर 36 मीटर होता और उसको बांटना होता तो वो किस तरह से बांटेगा, तो 36 को हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ, 3 के टेबल में 36 कब आता है, 3 12 36। तो हरेक को हरेक के हाथ में 12 12 मीटर रोप आता है। एंड इफ देयर इज 60 मीटर्स ऑफ रोप, और अगर उसके पास 60 मीटर रोप का होता तो वो किस तरह से बांटता, 3 60 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 20 3 20 जा 60, 3 2 जा 6 एंड 0 हमने लगाया तो 3 20 जा 60, 20 मीटर रोप हर एक के हाथ में आता। तो बच्चों ये इस तरह से आपको हर एक में डिवीजन मेथड वाइज आपको सम सॉल्व आउट करने हैं। देखिए पेज नंबर 168 में है, 169 में है, 170 ऑल्सो, 171, 172, हम जाते हैं 173 की तरफ। इतने पेज आपको सॉल्व करने हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं पेज 173 में। अ फ्रॉग जंप्स 2 स्टेप्स एट अ टाइम, अ स्क्विरल जंप्स 3 स्टेप्स एट अ टाइम, रैबिट जंप 5 स्टेप, हॉर्स जंप्स 15 स्टेप्स, कंगारू जंप्स 30 स्टेप्स। यूज द पाथ ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट इन हाउ मेनी जंप्स विल द फ्रॉग रीच 30। कितने जंप्स पर फ्रॉग को 30 तक पहुंचना होगा। फ्रॉग को 30 तक पहुंचना है, फ्रॉग 2 स्टेप्स जंप कर सकता है, एक बार में वो 2 स्टेप्स जंप कर सकता है, तो वो कितने स्टेप्स में वो 30 तक पहुंच सकता है। 30 डिवाइड बाय 2, 2 15 जा 30,
15 स्टेप्स जब वो लगाएगा तब जाके वो 30 तक पहुंच सकता है। फिर है इन हाउ मेनी जंप्स विल स्क्विरल रीच 27। स्क्विरल को 27 तक पहुंचना है। स्क्विरल एक बार में 3 स्टेप्स जंप्स लगा सकती है, तो 3 के टेबल में हम 27 को फाइंड आउट करते हैं। 3 नाइन्स आर 27। अगर स्क्विरल 9 जंप्स लगाएगी तब जाके वो 27 स्टेप्स तक पहुंच जाएगी। टर्न योर पेज। विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जंप्स। कंगारू एक बार में 30 स्टेप्स लगा सकता है। एक बार में वो 30 स्टेप्स लगा सकता है। अगर वो 2 स्टेप्स में तो वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 टाइम में अगर उसने 30 स्टेप्स लगाया तो 2 टाइम में वो कितना लगा सकता है, 32 जा 60, 60 स्टेप्स तक वो पहुंच सकता है। हु ऑल विल मीट एट द नंबर 15। कौन कौन नंबर 15 पे मिलते हैं, तो मिलते हैं स्क्विरल, रैबिट एंड हॉर्स। अब हम चाहते हैं बच्चों पेज 175 में, हाउ क्विक आर यू। देखिए यहाँ पे एक हिंट दी गई है, उसके हिसाब से आपको टेबल फॉर्मेशन पूरा करना है। देखिए 2 के टेबल में 18 का बात है, 2 9 18। अगर हम क्रॉस चेकिंग करते हैं तो टेबल में जाके देख लीजिए। ओके, फिर 9 के टेबल में 18, 2 जा 2 के टेबल में 16, 2 8 जा 16। तो यहाँ आपको लिखना है 2 8 जा 16, फिर 2 10 20। अगर इस तरह से आप करोगे तो आपको ये थोरली लर्न हो जाएगा। तो बच्चों पेज नंबर 175 और 176, टेबल फॉर्मेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन टेबल यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो मैं जब वर्कबुक करवाऊंगी तब वापस एक बार आपको समझाऊंगी। सो स्टूडेंट्स कंप्लीट दिस टेक्स्ट बुक पेज 175 एंड 176। ओके, थैंक यू।